हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो आज मैं करने वाला हूँ अपनी जुपिटर का माइलेज टेस्ट। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था ये करने की, पर कर नहीं पा रहा था, तो आज करते हैं इसका माइलेज टेस्ट। तो मेरी जुपिटर BS4 है और 2 साल पुरानी है। चलते हैं सीधा स्कूटी पे, बाकी की बात स्कूटी पे करते हैं। तो ये खड़ी स्कूटी, इसको बाहर निकालते हैं और बाकी की बातें करते हैं स्कूटी में। तो अभी टाइम दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ माइलेज टेस्ट करने अपनी जुपिटर की। वैसे मैं कल भी गया था माइलेज टेस्ट करने, पर हो नहीं पाई क्योंकि मैंने चेक नहीं किया, जो कैमरे का मेमोरी कार्ड था वो भर गया था। तो इसलिए आज दोबारा जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्कूटी के बारे में बता देता हूँ। ये 2 साल पुरानी स्कूटी है, मतलब 2 साल 3 महीने हो गए इसे, और BS4 है। और इसकी आज तक जितनी भी सर्विस हुई है सारी मैंने कंपनी से करवाई है। स्कूटी में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त चल रही है। हाँ, पर साइड से थोड़ी टूट रखी है। मैं गिर गया था ऋषिकेश से दिल्ली आते टाइम मेरठ के आसपास, तो बस राइट साइड में स्क्रैचेस हैं और इतना सा क्रैक है जो फ्रंट वाला पैनल है उस पे, बाकी तो सब बढ़िया है। और आज से पहले मैंने इसकी कभी भी माइलेज टेस्ट नहीं किया, आज पहली बार करूंगा, तो देखते हैं कितनी आती है। वैसे मेरे अंदाजे से 40 तक तो आ जानी चाहिए। तो जो इसका माइलेज टेस्ट है वो मैं फुल टैंक में करूंगा। तो सबसे पहले अभी हम पेट्रोल पंप जाएंगे, वहां से फुल टैंक करवाएंगे इसका। उसके बाद इसे 50 किलोमीटर चलाना है, फिर उसके बाद दोबारा पेट्रोल पंप जाएंगे और जितना पेट्रोल इसमें आएगा, मतलब जितने भी लीटर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 50 से, तो उससे हमें इसकी माइलेज पता चल जाएगी। वैसे माइलेज टेस्ट करने का एक और तरीका था, पूरी टंकी खाली करके 1 लीटर तेल डाल के चेक करना, और उसके लिए थोड़ी बहुत चीजें चाहिए, बोतल वगैरह चाहिए। तो इसलिए मैं फुल टैंक वाली कर रहा हूँ, वो वाली भी करूंगा पर पहले ये वाली कर लेते हैं। और एक इसकी माइलेज टेस्ट मैं हाईवे पे भी करूंगा, क्योंकि हाईवे पे बहुत ज्यादा माइलेज देती है जब भी मैं घूमने जाता हूँ, क्योंकि एक ही स्पीड में चलती है, ब्रेक नहीं लगती, तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल से 50-55 दे देती है, 55 तो नहीं पर 50 तो दे देती होगी। तो वो भी चेक करेंगे जब घूमने जाएंगे, पर इस वाली वीडियो में करेंगे फुल टैंक माइलेज टेस्ट। चलते हैं पेट्रोल पंप, और अभी स्कूटी चल गई है 18,078 किलोमीटर, देखते हैं पेट्रोल पंप तक कितनी चलेगी। और टैंक वैसे इसका थोड़ा सा ही खाली है, 1 लीटर तेल आ जाना चाहिए। तो तेल में ऑटो कट तक भरवाऊंगा जिसमें वो अपने आप बंद हो जाता है। ओ भाई, ये तो पूरे बस की जगह घेर के चल रहा है। और 50 किलोमीटर शायद मैं आज नहीं चला पाऊंगा, तो ये वाली वीडियो कल खत्म होगी, पर आपको तो इसी वीडियो में दिख जाएगा, पर मुझे कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। देखते हैं, क्या पता आज ही चला सकता हूँ। तो पेट्रोल पंप में आ गए हैं, अब भरवाते हैं यहाँ से तेल। फुल कर दो, ठीक है। बस 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 बस, तो 0.9 लीटर तेल आया, मतलब 1 लीटर से थोड़ा सा कम। तो देखो टंकी हो चुकी है इसकी फुल। फोन के कैमरे से दिखा देता हूँ, इसमें ज्यादा साफ नहीं आता ना। और स्कूटी अभी चल रही है 18,083 किलोमीटर, तो इसकी फोटो खींच लेते हैं एक। 18,083 + 50 = 133। तो अब हम इसे चलाएंगे 18,133 किलोमीटर तक, और उसके बाद हम इसका दोबारा टैंक फुल करवाएंगे, फिर उसके बाद हमें अपनी माइलेज पता चल जाएगी। तो चलो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। A few moments later. तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और स्कूटी चल गई है 18,090 किलोमीटर, तो मुझे लग नहीं रहा आज पूरा हो पाएगा। और जो 50 किलोमीटर है सिर्फ मैं मेन रोड पे नहीं चलाऊंगा, गलियों में चलाऊंगा, उबड़ खाबड़ रोड में चलाऊंगा, ट्रैफिक में चलाऊंगा और मेन रोड में भी चलाऊंगा, मतलब जैसे एक नॉर्मल इंसान चलाता है। और मैं वैसे ज्यादातर धीरे ही गाड़ी चलाता हूँ, वैसे नहीं चलाता ऐसे एकदम से भगाई एकदम से रोक ली एकदम से भगाई एकदम से रोक ली ऐसे घुमा घुमा के चला ली। तो जब थोड़ा रोड खाली दिखता है तो 50-60 चला लेता हूँ, वरना बाकी तो ऐसी साइड में धीरे धीरे चलाता हूँ। तो रेड लाइट आ गई है, बंद कर देते हैं स्कूटी को, अभी 60 सेकंड बचे हैं। और ये देखो धूल, खड़ी करते ही धूल जम जाती है इसमें। जब मैं घर से लाया था तो ऐसी थी, और अब देखो अब ऐसी हो गई है। राइट साइड में जाम लगा हुआ है, तो अब स्कूटी चल रही है पावर मोड पे। यहाँ से हम लेंगे राइट साकेत के लिए, और मैंने इसकी पीछे वाली लाइट भी ठीक करवा दिया, तो अभी आपको दिखाता हूँ रुक के। मतलब मैंने ठीक तो नहीं करवाई है, पर मैंने उसके ऊपर स्मोक टेप चढ़वा दी है, तो जिसकी वजह से दिख नहीं रही है। तो दिखाता हूँ आपको पीछे की लाइट, तो देखो कुछ ऐसी लग रही है, आईफोन के कैमरे से दिखा देता हूँ, तो कुछ ऐसी लग रही है। और ये यहाँ से टूट रखी है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरी टूट रखी है, तो दिख नहीं रही है वैसे तो। और स्कूटी भी देखने में मस्त लग रही है, तो चलो मैं तुम लोगों को सिनेमैटिक दिखा देता हूँ।
पर साइड से अभी तक ये ठीक नहीं हुई है, देखो यहाँ वैसे स्क्रैच है पूरे नीचे तक, और ये यहाँ से क्रैक भी हो रखा है और यहाँ से भी घिस रखा है। तो देखो स्कूटी 95 चल गई है, 18,095 किलोमीटर, बस 5 बचे हैं 100 होने में, घर जाते जाते 100 तो हो ही जाएगी, बस 33 किलोमीटर बचेंगे, 33 कल चलाएंगे। तो घर पहुंच के फिर मैं कल ही वीडियो शुरू करूंगा। The next day. तो अभी टाइम दिन के 3 बज रहे हैं और स्कूटी चल चुकी है 18,110 किलोमीटर, तो अभी भी 23 किलोमीटर बचे हैं। तो देखो अब मैं जाम में चला रहा हूँ, वैसे मैंने घर के आसपास भी चलाई थी थोड़ी, घर के जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो भी करे, तो सामान वामान लाना, और आज गर्मी थोड़ी ज्यादा है, तो चलाते हैं इसे फटाफट 23 किलोमीटर और फिर करवाते हैं टैंक फुल। वैसे पेट्रोल पंप के आसपास ही चलाना पड़ेगा ताकि जैसे ही 133 किलोमीटर होए तो मैं टंकी फुल करवा सकूं। देखो कितना ज्यादा जाम है, तो अब इसे चलाते हैं थोड़ा पावर मोड पे। तो अब स्कूटी चल गई है 18,117 किलोमीटर, मुझे ऐसा लग रहा है इसका आगे वाले टायर की ग्रिप खराब हो गई है। तो अब स्कूटी चल गई है 18,120 किलोमीटर, 13 किलोमीटर बचे हैं बस, तो रेस होने वाली है शुरू। 4, 3, 2, 1 गो। यू लूज। तो अब दोबारा रेस शुरू होने वाली है, इस बार देखते हैं कौन जीतता है। तो इस बार पहले नंबर पे मैं हूँ और ये मैं जीत गया। तो अब देखते हैं कितनी चल गई, 124 हो गई है, तो 10 किलोमीटर और बचे हैं, तो 18,131 हो चुका है, अब बस 2 किलोमीटर बचे हैं, तो चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर होगा, तो 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाएगा वैसे तो। तो 132 हो चुका है, 1 किलोमीटर और बचा है, तो एकदम करेक्ट टाइम पे 18,133 किलोमीटर हो चुके हैं और ये रहा सामने पेट्रोल पंप। तो अब यहाँ से करवाते हैं टंकी फुल, तो मैं एक बार आपको आईफोन से दिखा देता हूँ, ये देखो 18,133। तो करवाते हैं अब इसका टैंक फुल, फुल कर दो, वो जो ऑटो कट होता है ना वहीं तक करना, ठीक है। हाँ बस, तो 124 रुपए का आया तेल, 1.3 लीटर, तो 1.31 लीटर पेट्रोल आया। अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो देखो 50 को करना है डिवाइड 1.31 से, तो देखो ये आई है माइलेज। ओ भाई ये तो बहुत ही ज्यादा कम आई है, तो माइलेज तो बहुत ही ज्यादा कम आई है, 38 की माइलेज दी है इसने। तो इसमें मैंने इसे तेज भी चलाया, धीरे भी चलाया, ट्रैफिक में भी चलाया, ऊबर खाबड़ रस्तों में चलाया, प्लेन रस्तों में चलाया, मतलब हर टाइप की कंडीशन में चलाया। तो अगर आपके पास भी जुपिटर है तो कमेंट करके बताना कि आपकी कितनी रहती है। इसकी माइलेज निकाल के तो पूरा मूड खराब हो गया, इससे ज्यादा तो लोग R15 में निकाल लेते हैं माइलेज, क्या फायदा है स्कूटी लेके, सर्विस इसकी इतनी महंगी, माइलेज इसकी इतनी कम, जो चीज कम होनी चाहिए वो ज्यादा है, जो चीज ज्यादा होनी चाहिए वो कम है। 1100 रुपए की इसकी सर्विस होती है, 38 का ये माइलेज दे रही है। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।